हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं गुड रॉक लर्निंग। तो फ्रेंड, आज मैं दिखाऊंगा टीवी का पुराना ख़राब हुआ किट चेंज करके कैसे नया किट सेट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पुराना किट को टीवी से निकालना है बाहर। तो ऐसे यह सीआरटी बोर्ड, इसको निकालना है इस तरफ से। और यह कॉइल का कनेक्शन है, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली का। और यह ईएसडी का कैप, इसे इस तरफ से निकालना है पिक्चर ट्यूब से। इसको चेंज करना है, यह पुराना की खराब हो गया। और यह है नया किट। यही नया किट सेट करना है टीवी में। यह है सीआरटी बोर्ड। और यह है ग्राउंड पिक्चर ट्यूब का नेगेटिव कनेक्शन, इस तरफ करना है। और यह है ईएसडी का कैप, इस टी का कैप यहाँ पर कनेक्शन करना है इस तरफ। और यह है यह कल का कनेक्शन यार। और यह रिमोट सेंसर का कनेक्शन सॉकेट। और यह स्पीकर का कनेक्शन वायर यहाँ से।
और ये चारों कनेक्शन से दो है हॉरिजॉन्टली और दो वर्टिकली कनेक्शन है। इस तरफ जो दो कनेक्शन है ये वर्टिकली कनेक्शन है। और ये दो कनेक्शन ब्लू और रेड वायर हॉरिजॉन्टली कनेक्शन होता है सेम। ये है एफ कॉइल का हॉरिजॉन्टली कनेक्शन वायर। और ये है ऑडियो वीडियो इनपुट सॉकेट वायर, इसका कनेक्शन यहाँ पर है। और ये है एसी कॉर्ड जो सर्किट को सप्लाई देने के लिए। इसका कनेक्शन यहाँ पर है। और यह है डिग्रीसिंग कॉयल का कनेक्शन जो पिक्चर ट्यूब का। तो फ्रेंड्स जो कनेक्शन करना है सब कनेक्शन कंप्लीट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। तो अब हमें टीवी ऑन करके देखना है क्या कंडीशन है। तो आप देख सकते हैं टीवी ऑन हो गया। तो फ्रेंड टीवी में नया सर्किट लगाने से इसका जो ईएसडी का एडजस्ट करना ही पड़ता है। ईएसडी में जो सारिन और फोकस है ये दोनों प्रीसेट का एडजस्ट करना ही पड़ता है। ईएसडी का सारिन और फोकस ये दोनों पिन एडजस्ट करने से ही टीवी का ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट एडजस्ट कर सकते हैं जितना ज़रूरत है।
थैंक यू दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए, और अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह वीडियो मैं हर तरह लाता रहता हूँ।